कासिम सुमरो साहब, ये बताएं मुझे कि देखिए, मैंने सरकारी नौकरी की है, सरकारी अस्पताल भी देखा है, बेसिक हेल्थ यूनिट भी देखा है, तो मैं बहुत अच्छी तरह से उन सारे एक्सपीरियंस किया हुआ है मैंने। तो देखिए, जनरल परसेप्शन ये है कि सरकारी अस्पतालों में वो सहूलियात नहीं मिलती हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में होती है, लेकिन हर कोई जाहिर है कि प्राइवेट क्लिनिक्स अफोर्ड नहीं कर सकता। आप चूँकि हुकूमत सिंध के नुमाइंदे हैं, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके प्लान्स हैं, क्या आप माँ और बच्चे की सेहत के लिए क्या आपने सोचा है और किस तरह उस पर अमल भी कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात यह है कि सिंध एज ए प्रोविंस 63% आपकी पॉपुलेशन जो है वो या तो एरिड एरियाज़ हैं या सेमी एरिड एरियाज़ हैं, और उसमें आप प्लस एडिशन कर दें जो आपके स्लम्स हैं, जो पर्टिकुलरली आपके शहरों में रहें, जो शहरों की पसगिरदा या इवन शहरों के अंदर भी बहुत सारी, मिसाल कराची के अंदर आपके पास कोई 93 के करीब स्लम एरियाज रजिस्टर्ड हैं जो आपके उस रीजन में आते हैं। अब दीज आर द इशूज़ के जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ का प्रोवाइड होना या डॉक्टर्स का वहाँ जाना या उस सहूलत का होना, ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आता है वो ओवरऑल एज ए गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज़ नॉट ओनली द हेल्थ डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सच मेस, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने को जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स बताए या मैडम ने जिस तरह से बताया कि इस तरह से मॉर्टेलिटी रेट्स जो हैं वो हमारे कितने हाई हैं, तो उसमें तीन चार चीज़ें हैं जो ज़्यादा, अब चूँकि मेरा ताल्लुक इंतहाई पसमानदा एरिया से है थरपारकर, यू प्रॉबली नो, और सबसे ज़्यादा जो है वो हम मीडिया में क्रिटिसिज्म उसी हमारे थरपारकर की आती है कि जी आज हर रोज़ फिगर बताया जाता है कि जी आज दो बच्चे, आज चार बच्चे, आज छः बच्चे, आज आठ बच्चे। तो सस्टेनेबल लिविंग जो है वो किसी भी सोसाइटी में सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे अब डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस तरह से कि जी नफसियाती मसाइल किस तरह से, उसकी सबसे बुनियादी वजह हमारी सस्टेनेबल लिविंग है। अब सस्टेनेबल लिविंग मिसाल जो पसमानदा जितने भी एरियाज़ हैं, अब मैं आपको फिगर वाइज दे सकता हूँ, थरपारकर पूरा डिस्ट्रिक्ट पसमानदा है, आपका उमरकोट का आधा हिस्सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी 6 से 7 आधी पॉपुलेशन आपकी पसमानदा है, वो डेजर्ट पार्ट है। फिर इस तरह से आप सांगर डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे, उसका अछरोथर इज़ वन ऑफ द वर्स्ट जो है वो फैसिलिटी वाइज, वहाँ रैश लोगों की है, वो सारी रेन प्रसिपिटेशन पे है कितनी होती है, उसी पे लिविंग है उनकी। फिर आप उससे आगे चले जाएँ नवाबशाह में, वो डेजर्ट का पार्ट आता है। फिर आप उससे आगे चले जाएँगे खैरपुर इज़ अनदर डेजर्ट पार्ट, नारा का पूरा बहुत बड़ा डेजर्ट है। फिर आप आगे जाएंगे सखर पनाकिल का बहुत बड़ा डेजर्ट है। फिर उससे आप आगे जाएंगे घोटकी का डेजर्ट है। फिर आप इसी तरह से लारकाना कंबर शदात कोट का जो माउंटेनस खीरथर की रेंज है, फिर आप पूरा आधा दादू पूरा खीरथर की रेंज है, फिर जमशोरो डिस्ट्रिक्ट है, फिर आपका कोस्टल बेल्ट ऑफ दी होल सुजावल एंड थट्टा। सो दीज ऑल आर एरिड एरियाज हैं और सेमी एरिड हैं, लेकिन यहाँ तमाम एरियाज में सस्टेनेबल लिविंग नहीं है। सस्टेनेबल लिविंग से मुराद ये है कि लोगों के पास इकोनॉमिकल मींस जो हैं जिससे लोगों की लाइफ स्टाइल बेहतर हो, वो सहूलतें नहीं हैं लोगों के। मिसाल इन तमाम एरियाज़ की जो डिपेंडेंसी है वो बारिशों के ऊपर, बारिशें होती हैं तो लाइफ है, बारिशें नहीं हैं तो माइग्रेशन है। जब माइग्रेशन होती है तो इट ऑलवेज क्रिएट्स बैड हैबिट्स, वो अपने साथ बैड हैबिट्स लेके आते हैं। वो बैड हैबिट्स क्या लेके आते हैं कि पहले लोग इस तरह से होता था कि लोग अपना जो बारिशों में जितना होता था उसी पे ज़िंदगी गुजारते थे, अब वो बेच बचा के बहुत सारी और चीज़ें लेते हैं जो उनकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको देता हूँ कि हमने एक मिट्टी में सर्वे किया कि देयर इज मोर देन एक साल में 2 से 2.5 अरब रुपए उन चीज़ों पे खर्च होते हैं जिनकी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है एज ए हेल्थ। मिसाल के तौर पर आप सिगरेट पीते हैं, आप चाय पीते हैं, चीनी लेते हैं और बहुत सारी ज़रूरियात हैं जो जब हम छोटे होते थे तो हमारी ज़रूरत में वो चीज़ें नहीं थी। चीनी आपने कहा ज़रूरत नहीं है? नहीं, मैं मिसाल के तौर पर बताऊँ कि उस तरह से ज़रूरत नहीं है जिस तरह से हम जितना हमारे यहाँ उस पर एक्सपेंसिस होते हैं। तो ये एक सस्टेनेबल लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा मसला है। फिर मिसाल हम थरपारकर के उन तमाम रीजन्स पर जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कहा कि जी आप इनको गंदम दे दो कि इनकी मेल न्यूट्रिशन बेटर हो,
हमने पैसा दे दिया, बिस्प में भी आ गया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आपने बहुत सारा पैसा उनको दिया, हर खानदान को हर महीने 3,000 रुपये मिलते हैं, अब एहसास प्रोग्राम उसका उसको भी यही सपोर्ट करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे दूसरा जो सबसे बड़ा इशू आता है कि इन तमाम एरियाज में पानी की सहूलत नहीं है। अब गवर्नमेंट का इंटेंट ये हुआ कि जी थरपारकर में आर ओ प्लांट्स लगा दिए, फिर वाटर सप्लाई नेटवर्क लगा दिया, फिर अश्रोथर में भी ये है, फिर ये नारा कैनाल पे भी चला गया, फिर आपका ये खैरपुर की साइड पर भी इसी तरह से पानी की सहूलत दी, लेकिन जहाँ ये सहूलत नहीं है वहाँ पर मिसाल के तौर पर उसी खाने वो खाना जिसको आप गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो खाना पकता उसी पानी से है जो पानी ऑलरेडी आलूदा है, उसमें सलाइन बहुत है, वो ब्रैकिश वाटर है, हम और आप एक घूंट पी लें तो हमारे स्टमक डिस्टर्ब हो जाएं, लेकिन वो उनकी रूटीन लाइफ है। सॉरी, वो जो आर ओ प्लांट्स लगाएं उनका पानी नहीं यूज़ करते? आर ओ प्लांट्स देखें, आर ओ प्लांट्स लगे हैं मतलब सक्सेसफुल, कुछ एरियाज में जहाँ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वहाँ सक्सेसफुल है, जहाँ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है वहाँ सक्सेसफुल नहीं है, वो नहीं, वो दैट्स अ फैक्ट, वो उसको हम मैं यहाँ बैठ के ये कह लूँ कि जी वो ठीक चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे ठीक नहीं हैं, बहुत सारे हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जहाँ कम्युनिटी उसको पूरा स्पॉन्सर करती है सपोर्ट करती है वहाँ वो सारे सक्सेसफुली रन हो रहे हैं, तो ये एक इशू है। अब हमने मिसाल सिंस लास्ट 2.5 ईयर्स मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं अपने थर से चूंकि शुरू हुआ था तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि इसको हम क्लस्टरिंग करें, क्योंकि हमारे पास जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का निज़ाम था पिछले परवेज़ मुशर्रफ पीरियड में, तो उस वक्त ये हुआ कि हमने बहुत सारी जो हैं वो गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज पॉलिटिकली हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, हर गांव में आप जाएंगे 2 कमरों का 4 कमरों की 6 कमरों की 8 कमरों की डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, मोर और लेस अब थरपारकर में 203 के करीब डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, ओवरऑल सिंध में आप जाएंगे तो नंबर इन थाउजेंड्स है। अब 2-3 प्रॉब्लम्स वहाँ पर, नंबर एक के वहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये थरपारकर से कुछ 1600 के करीब डॉक्टर्स जो हैं वो भर्ती होकर इधर आए, आप हाँ। यकीन करें कि उसमें से इस वक्त भी इतना अच्छा, हमने उन हार्ड एरियाज में आपको ये बताऊं कि अब मिसाल एक 17 इयर्स का डॉक्टर है, डॉक्टर साहब ने भी सर्व किया है उसी डिपार्टमेंट, 17 ग्रेड का ऑफिसर, उसकी तनख्वाह अगर हम वैसे अगर 80,000-90,000 तनख्वाह है तो हम थरपारकर में उसकी तनख्वाह 1,00,000 रुपये हम ज़्यादा देते हैं जस्ट टू गो देयर एंड सर्व देयर, बट समहाउ द प्रॉब्लम इज़ कि डॉक्टर्स वहाँ नहीं जाते और वो तमाम डिस्पेंसरीज के ऊपर जो हैं वो उस तरह से फंक्शनल नहीं है जिस तरह होना चाहिए। सो व्हाट यू आर सेइंग इज दैट कि डिस्पेंसरीज तो बना दी हैं बट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो स्टाफ, देयर इज नो सर्विंग डॉक्टर देयर। अब मैं उसका हमने हल निकाला था, हमने हल उसका ये निकाला था कि उसको हमने क्लस्टर मॉडल किया। क्लस्टर मॉडल से मुराद यह थी कि हम 5-6 डिस्पेंसरी जिसकी एक्सेसिबिलिटी बुनियाद हो, एक्सेसिबिलिटी का बुनियाद यह था कि लोगों की टेंडेंसी होती है कि ये मिसाल थट्टा का जो अगर जो बंदा है उसको अगर हम कहें कि आप हैदराबाद चले जाओ तो वो उसकी वहाँ एक्सेसिबिलिटी या उसकी टेंडेंसी वहाँ जाने की नहीं है, ही विल प्रेफर टू कम टू कराची, तो उसकी हम उस एक्सेसिबिलिटी के मॉडल को मद्देनज़र रखते हैं हमने 6 डिस्पेंसरीज, उस 6 डिस्पेंसरी को हमने इक्विप्ड किया विद सोलर पावर जनरेशन, हमने वहाँ पर एक स्मॉल आर ओ प्लांट्स लगाए जहाँ वाटर सप्लाई नेटवर्क पहुँचा हुआ था, तो उनको हमने उस वाटर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया, फिर हमने वहाँ पर कम्युनिटी मिडवाइफ्स की ट्रेनिंग करवाई, फिर हमने वहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का एक पूरा प्रोग्राम रखा हर डिस्पेंसरी मॉडल के, हर 6 डिस्पेंसरीज के ऊपर हमने एक डॉक्टर रखा है, उसको हमने एम्बुलेंस दी है ताकि वो उसको रेफर अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो। अल्लाह का शुक्र है हम इसमें हमने अभी 10 डिस्पेंसरीज का एक पायलट किया था विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ, अब वो इतना सक्सेसफुल हुआ है कि पिछले 18-19 माह में हमारे पास इस वक्त जो उन डिस्पेंसरीज में जितनी डिलीवरीज हुई हैं वो 6 पाउंड प्लस बच्चे हैं, और अच्छी बात है, एंटीनेटल केयर भी है, पोस्टनेटल केयर भी है और हम उसको पूरा सपोर्ट देते हैं। लेडी डॉक्टर है वहाँ। अच्छा जी, लेडी डॉक्टर्स हैं वहाँ। यस, लेडी डॉक्टर्स हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। फिर हमने उसको आगे, अब उसको हम आगे कंसीव किया उसी पायलट को, हमने वी हैव कन्वर्टेड दिस विद द 1,000 डेज प्लस प्रोग्राम, और 1,000 डेज प्लस प्रोग्राम जो है वो हमने उसको पार्टनरशिप लिया वर्ल्ड बैंक के साथ, उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं कर रहे एक्सेप्ट
कि जहाँ पर डिप्लीटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम थोड़ा रिनोवेट करके बेहतर करें, अब प्लस जो हमारी कम्युनिटी मिडवाइव्स जो होंगी, जो स्टेशन होंगी वहाँ पर, और हमने ये फोकस रखा है कि वो उन एरिया से हों, उनको हम ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज भी करवा रहे हैं, और प्लस उनको हम गवर्नमेंट उनके अखराजात बर्दाश्त करके उनको हम ये कम्युनिटी मिडवाइफ का कोर्स भी करवा रहे हैं। दो बातें, फिर उसका हमने वहाँ पर रेजिडेंशियल फैसिलिटी हम बनाएंगे, इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। okay. और फिर उसका जो मकसद होगा वो ये, उसमें इंटरवेंशन हम 3-4 डिपार्टमेंट्स के साथ साथ कर रहे हैं। एक तो हेल्थ फैसिलिटी, मिसाल के तौर पर आपने उनको हेल्थ सर्विसेज देनी है, एंटीडेंटल केयर भी है, पर्सनल केयर भी, फिर आपकी इम्यूनाइजेशन जितनी भी है वो वहाँ पर, फिर आपकी फैमिली प्लानिंग वो भी उसी का हिस्सा होगी, और फिर आप हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक डिपार्टमेंट है हमने रिसेंटली सोशल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम उन ख्वातीन को जो इन डिस्पेंसरीज पे आके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगी फ्रॉम प्रेगनेंट कंसेप्शन ऑफ द प्रेगनेंसी से लेकर और डिलीवरी तक, उनकी हम एक कैश ट्रांसफ़र भी करेंगे उनको, जितनी जैसे जैसे इंटरवेंशन okay. होगी उनको कैश ट्रांसफ़र करेंगे। और फिर जो अगला उसमें प्लस प्रोग्राम है वो ये है कि हम जैसे ही वो बच्चा या 2.5 साल का होगा तो फिर हम उसकी रजिस्ट्री करेंगे ELC, जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड जो प्रोग्राम है, वो जहाँ जहाँ प्राइमरी स्कूल है हम उसमें ये ऑप्ट कर रहे हैं कि हम वहाँ पर ये इस तरह के हम कमरे अगर बने हुए हैं तो हम उनको अडॉप्ट करें, नहीं बने हुए हैं तो हम बनाएं उस मॉडल के ऊपर कि हम उसको बच्चों को वहाँ रजिस्टर करें ताकि वो स्कूलिंग के लिए प्रिपेयर। क्या अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी आपने बात की। हाँ, कि उससे आगे थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूँ, उससे आगे ये होगा कि वो जो ख्वातीन हैं उसको हम इंटरवेंशन कर रहे हैं कि जो स्किल डेवलपमेंट के जितने इंस्टीट्यूशन, वो हम फिर देखेंगे उस प्राइवेट सेक्टर के लोग जाहिर है जहाँ, उसमें स्किल डेवलपमेंट ये होगी कि आप उन ख्वातीन को हम जो लोकल उनके स्किल, जो इंडिजीनस उनका जो क्राफ्ट है उसको वो ट्रेनिंग लें उनसे, हम उसके एडल्ट लिटरेसी करवाएं उनकी प्लस, ताकि वो उससे आगे जाकर वो अपना खुद सा रोज़गार भी कर सकें ना। और जो उसमें इससे आगे जो प्लान है वो ये है कि सस्टेनेबल लिविंग का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम उनको मिसाल जहाँ एग्रीकल्चर जोन एरियाज हैं, एरिड एरियाज तो हैं ही हैं, लेकिन उसमें एरिड एग्रीकल्चर की हम उन ख्वातीन को मिसाल जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं जैसे हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम है, हम उनको वो इंट्रोड्यूस करवाएं। ए बी हमारा ये प्लान है कि हम उन ख्वातीन को किचन गार्डनिंग की तरबियत दें, उनको वो किट्स भी प्रोवाइड करें सो दैट यू नो अपने वो सब्जियां और ये सारा उगा सकें। वो तीसरा उसमें साथ साथ होगा कि हम उनकी वाटर फैसिलिटी को भी इंश्योर करें कि जो वो इस फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकें वो थ्रू सबमर्सिबल पंप, ऑल बेस्ड ऑन नॉट इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, मिसाल सोलर एनर्जी के बेसिस पर, ताकि उसकी ग्रिड के साथ ये कनेक्टिविटी हो, ये मसाइल ना हो। तो दिस इज़ वन मेगा प्रोजेक्ट दैट्स कमिंग अप इन इंशाल्लाह, वी स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट जून, वी हैव ऑलरेडी लाइक कमिंग जून और नेक्स्ट जून, नो दिस जून, दिस ईयर, दिस कमिंग जून, इट्स ऑलरेडी, एंड हाउ मेनी इयर्स इज गोना टेक टू कंप्लीट? या इट दिस प्रोग्राम इज स्टार्टिंग फॉर 5 इयर्स, हमने पहले 5 डिस्ट्रिक्ट लिए हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं थरपारकर, सुजावल, थट्टा, जामशोरो एंड कंबर शदादपुर, हम इन 5 डिस्ट्रिक्ट में बाय फ्रॉम जून हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स से मुराद कम्युनिटी मिडवाइव्स हमारे पास उस तरह से ट्रेंड नहीं है, उसी तरह से हमारे पास हेल्थ डेली हेल्थ वर्कर जो हैं वो इस तरह ट्रेंड नहीं है। कोशिश हमारी जो सबसे, फिर ये जैसे आप स्किल डेवलपमेंट के ये सारे जितने प्रोग्राम्स हैं इन सबको साथ, अब जाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर मिसाल हमने सर्वे किया वेरी रिसेंटली, सुजावल और थट्टा का जो कोस्टल बेल्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर कंडीशन में, उसको इम्प्रूव करना है, जब तक वो इम्प्रूव नहीं होगा उस वक्त तक हम ये फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। तो दिस इज़ ऑल कंबाइंड एफर्ट, वी ट्राई के हम उसमें तमाम चीज़ों से थोड़ा बहुत अच्छा प्लान, तो बहुत अच्छा है कासिम साहब, एंड आई होप कि ये इंप्लीमेंट भी हो, कराची के स्लम भी उसी में इंक्लूडेड है। कोविड की वैक्सीन जो आ रही है ये सेफ है लगवा ले, खवातीन बच्चे खास तौर पे?
जी बिल्कुल सेफ़ है, अभी तक तो हमें एज सच कोई इस तरह की किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बल्कि मैं तो आई वुड लाइक कि आपके इसके आपने चूंकि मास्क लगाया तो आपको थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा ताकि माइक पे आपकी आवाज़ जाए। आपके इस प्रोग्राम के तवसत से मैं तो सब तमाम पाकिस्तानियों को ये कहूँगा कि ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, और जब तक हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे हम इसी प्रॉब्लम में रहेंगे, वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी वो हम अचीव नहीं करेंगे, और जब तक वो हम अचीव नहीं करेंगे तब तक ये मसाइल जो है ना वो ये जो एंगजाइटी और ये टेंशन ये जो कोविड की वजह से है ना वो और चलते रहेंगे, और जाहिर है जब तक हम फिर प्लस हम उस केयर में तो हैं नहीं ना कि हम मास्क पूरी तरीके से पहने, हम हाथों को धोते रहें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। अनफॉर्चुनेट ये है कि हमने जो अभी तक कैंपेन डॉक्टर्स के लिए लगाई उसमें डॉक्टर्स भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे, सो आई प्लीड टू एवरीबॉडी प्लीज़ गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, आप लगाएंगे सोसाइटी के और जो लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीन आ रही हैं, तो होप है कि हम सब जो है वो इस तरह टेंडेंसी की तरफ आएँ, तो हम अपने आप को भी सेफ करें और अपने मुल्क को भी, अपने माशरे को भी, फैमिली को भी। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्विकली कर लें प्लीज़। मैं एक लाख का स्टूडेंट हूँ, तो सर एक मैटर पे बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे वाटर पे, जो लगाए हैं, जो आर ओ प्लांट लगाए हैं, आर ओ प्लांट एक मशीनगिरी है, वहाँ पे जो सोलर सिस्टम पे चलते हैं, मशीनगिरी आपको पता है किसी भी वक्त बंद हो सकती है, थर पारकर का मेन इशू है वो पानी है, सही है, और पाकिस्तान के आईन में कॉन्स्टिट्यूशन में हर शहरी को इक्वल राइट दिया जाएगा, क्या पाकिस्तान जो सिंध पूरा सिंध प्रोविंस मेरा जो क्वेश्चन ये है कि सिंध प्रोविंस जो इंडस रिवर का पानी पी रहा है, क्या हमारा राइट नहीं है, क्या हमने उस रिवर का पानी नहीं पी सकते है, मशीनगिरी है अर्जेंट में, अगर खुदा ने खास कोई ऐसा वाकया हो जाए, आग भड़क उठे किसी गाँव में, वहां पे उस गाँव का आर ओ प्लांट काम नहीं कर रहा हो, तो अर्जेंट में हम कैसे होंगे उसको प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेरे दिल की आवाज़ है, और इस पर जो मैं तो इस पर आप अगर आप इस पर फर्दर डिटेल में अलग से कोई प्रोग्राम रखना चाहें तो इट विल बी ऑनर फॉर मी टू रिप्रेजेंट थरपारकर, और इस पर वाटर पॉलिसी के ऊपर मैं आपसे एक घंटे डिबेट कर सकता हूँ कि उसमें हमने क्या किया और क्या करना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। मैंने ये काम पर्सनली 2003 में शुरू किया, आई वॉज वर्किंग विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और हमने उसमें मैंने पूरे थर की वाटर पॉलिसी बनाई थी और उसमें क्या होना चाहिए था, और मेरी पॉलिसी में आर ओ प्लांट्स नहीं थे, इट वॉज इंटेंट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये इंटेंट लिया, उनकी इंटेंट अच्छी थी कि चलो पानी के मसले को किसी न किसी हल वे में हल होना चाहिए, लेकिन मेरी सजेशन ये था कि रिवर इंडस का जितना पानी है उसको हम दो तीन पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्टोर करें और फिर उनको वाटर सप्लाई नेटवर्क के थ्रू हर गांव में पहुँचाएँ, और अल्लाह का शुक्र ये है कि 2004 से लेकर अब तक वी आर ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन पॉपुलेशन थरपारकर की है, उसमें वाटर सप्लाई नेटवर्क ऑलमोस्ट 850,000 लोगों को वाटर सप्लाई नेटवर्क के थ्रू रोज़ाना पानी मिलता है। ओके, ये एक ये इशू, लेकिन अभी ये सफ़र बहुत लंबा है और उसके लिए जो है वो हमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए, और जाहिर है जब तक सरकार के पास वहाँ पर आबादी बहुत स्केटर्ड है, छोटे छोटे गांव हर एक टीले पे बने हुए हैं, तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ वाटर सप्लाई नेटवर्क टू एवरी अदर टाउन, बट वी हैव सर्टन यू नो वी हैव मेड अ पॉलिसी दैट एवरी हाउस और एवरी विलेज इज है देर आर नंबर 25 to 30 हाउस होल्ड्स जहाँ पर हैं, तो उनको हमने वाटर सप्लाई नेटवर्क में शामिल किया है, बट ये सफ़र बहुत कठिन है और बहुत लंबा है। यस आई एग्री विद दिस जेंटलमैन